मीडिया में कह चुका हूं कि अगर इस प्रकार की कोई ज़मीन है तो वहां पर जो उनकी डिमांड है उसकी डिमांड को माना जाए, वहां पर आपसे वो सरकार की ज़मीन है। ठीक है, अक्सर षड्यंत्र रचे जाते हैं। बहुत दिन से मैं देख रहा हूं, बहुत लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं देवेंद्र गुप्ता की कोई लैंड है उस पर पीला पंजा चलाया जाए, उसको सरकार उस पर बोर्ड लगाए। मैं उनकी मांग के साथ बिल्कुल सहमत हूँ और चाहता हूँ वहाँ पर पीला पंजा चले, चाहता हूँ वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट अगर किसी ने की है तो उसको ख़त्म किया जाए, तो वहाँ पर JDA अपना बोर्ड लगाए या जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जगह है वो उस पर बोर्ड लगाए। जब मैंने मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों से सुना, मैंने भी उसके कागजात वहाँ से पता करने का जो प्रयास किया है वो कागज मैं आपको भी उसकी एक कॉपी दूंगा। 2016-17 का जो रिकॉर्ड है उस वक्त मैं सत्ता में था, अगर मैं कुछ गलत काम करना चाहता तो वहाँ से करवा सकता था, लेकिन जो कागज़ की प्रति आज मुझे मिली है तहसीलदार जी द्वारा प्राप्त हुई है उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो सरकार की जगह है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी जगह है वो सरकार को मिलनी चाहिए, जो किसी की प्राइवेट लैंड है उसके साथ भी इस प्रकार का कोई साजिश नहीं होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। सरकार ने कुछ जो रूपनगर की जगह है उसके बारे में नक्शा जारी किया है, उसी के तरीके से उसकी कार्रवाई करें। और मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ, 45 साल की राजनीति में 1975 में जब इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी तब से लगातार पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूँ, इसके लिए 47 साल हो गए हैं और कभी अपने पर दाग नहीं लगने दिया। हालांकि मैं पंजाब में पढ़ा लिखा हूँ लेकिन जम्मू के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे फर्स्ट मेयर ऑफ जम्मू बनाया और माइनॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी थी उसके बावजूद मैं 3 बार यहाँ का मेयर रहा। लोगों के चुने जाने के बाद मुझे जम्मू कश्मीर सरकार में स्पीकर बनाया गया, पार्टी की कारण से मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना और मैं लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर कभी भी गलत नहीं उतरना चाहता और मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं जिन लोगों ने मुझे यहाँ जिता करके भेजा, मेरे प्रति विश्वास प्रकट किया, मेरी पार्टी को चाहा उसके प्रति विश्वास प्रकट किया कि कभी भी इस प्रकार की कोई भी गलत तरीके से जो काम है वो मैं नहीं करूँगा। वो आने वाले भविष्य में भी आपका आशीर्वाद चाहता हूँ और जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उनके मुंह पर ये एक तमाचा है, वो षड्यंत्र इस प्रकार के रचना बंद करें।